एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन, राइट, जो स्ट्रिंग क्लास से बहुत बार पूछा गया है। 8 to 10 हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, राइट। अगर जहां आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज। और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, अगर जहाँ आपको प्री डिफाइंड मेथड के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है प्री डिफाइंड मेथड कौन कौन से होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है, किसका क्या काम है, अगर जहाँ आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी, तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो मेरा, स्ट्रिंग का जो मैंने लेक्चर लिया स्ट्रिंग क्लास का, उसमें बहुत सारे 25 मेथड्स हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना, प्री डिफाइंड मेथड्स, तो आप एक बार देख लो प्रीवियस वीडियो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वोवेल्स इन अ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया दीपक गुप्ता, है ना। अब इस दीपक गुप्ता के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर कितने वॉवेल्स है, काउंट करो। देखो ई डबल ई आ रहा है, तो 2 हो गया, ये ए आपका ए हो गया, 3, फिर आपका यू हो गया, 4, और आपका फिर से ए है, तो 5, टोटल 5 है आपका इसके अंदर वॉवेल्स, तो इसी को फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए तो यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास का नेम दे देता हूँ माई स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम, ठीक है। देन मेन मेथड, एंड देन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर जो आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनर क्लास, ठीक है ना। इनपुट बना लिया रेफरेंस वेरिएबल में, और न्यू स्कैनर क्लास, और यहाँ पे पास कर दो आप सिस्टम डॉट इन, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। अगर जहाँ आपको स्कैनर क्लास यूज करना है, तो आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा पैकेज को, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, हमने इंपोर्ट भी कर लिया, चलिए डन। क्योंकि आपको स्ट्रिंग पता है, जो स्कैनर है वो प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है ना, विच इज यूज टू टेक इनपुट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक यूजर को एक मैसेज दे देते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैसेज दिया मैंने इंटर प्लीज इंटर अ वर्ड। क्लियर है पॉइंट, डन। अब जैसे यूजर इनपुट करेगा, हम इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रख लेंगे, दैट इज नेम ले लेता हूं, और यहां पे आपको लिखना है इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड। क्लियर है पॉइंट, डन। अब यूजर से आपने ले लिया, ठीक है, अब आपको अगर नंबर ऑफ कितने वॉवेल्स हैं, नंबर प्रिंट करवानी है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके लिए आप एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लो, जिसमें हमने 0 इनपुट करवा दिया है, 0 स्टोर करवा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप लगा लेता हूँ, int i इक्वल टू 0, i लेस देन नेम डॉट लेंथ मेथड, यही चीजें हैं। लेंथ मेथड भी आपका प्री डिफाइंड है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है। अब लेंथ मेथड क्या करता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए एंड देन i प्लस प्लस, अब यहां पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली जो स्ट्रिंग यूजर इंटर करेगा वर्ड, उसको आपने नेम वाले वेरिएबल में रख लिया स्ट्रिंग टाइप का है ना। अब इसमें क्या करो कि उसमें चेक करना है कि वन बाय वन चेक करना है कि इनमें से कितने आपका जो है इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वन बाय वन स्ट्रिंग से आपको कैरेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लूप तो मैंने यूज कर लिया, लूप के थ्रू वन बाय वन कैरेक्टर हमने कैरेक्टर वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेना है, वन बाय स्ट्रिंग को, ठीक है ना। चलो यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे नेम में जो वैल्यू आया है, आप कैरेट और आई यूज कर लो, ताकि जो भी लेंथ है उसका वन बाय वन हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया सी एच के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वन बाय वन चेक होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगा दो, मैंने आप लोग को करवाया है, ठीक
ठीक है, वॉवेल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया ए आई ओ यू सी एच डबल इक्वल टू सिंगल कोट ए सी एच डबल इक्वल टू सिंगल कोट आई, देन आपको ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। आप आई होप आप लोग को पता होगा, ठीक है। ओ यू नहीं हो, चलिए सिंगल कोट में कैपिटल यू दे दो। चलिए अभी हमने यहाँ पे कैपिटल ए ई आई ओ यू को चेक किया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, एंड लूप के बाहर जाके मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ वॉवेल्स आर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे प्लस करके काउंट को प्रिंट करा दो। चलिए हो गया। अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इंटर किया, अभी जस्ट मैंने बताया था दीपक गुप्ता, ठीक है, मैंने दीपक गुप्ता वर्ड को इंटर किया और उस वर्ड स्टोर हो गया कहाँ पे, आपका स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, नेम में। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है, और नेम में जितने कैरेक्टर, आपका क्या होता है लेंथ, लेंथ मेथड क्या करता है, इसके नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, वो चीजें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे हमारे देखो कितने हैं यहाँ पे, 3 3 6, और स्पेस भी काउंट होगा 7, दीपक गुप्ता दे दो, दीपक गुप्ता, ठीक है, तो 7, और ये हो गया आपका 5, 7 5 12, तो टोटल आपके कितने हैं, इसका लेंथ हो गया आपका 12 है, क्लियर है पॉइंट, डन। और लेंथ -1 चलेगा, 0 नंबर इंडेक्स से चलेगा ये, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए तो ये 1 by 1 आपका क्या करेगा, जब लूप ट्रू होगा, जैसे कि लूप आई से चला, आई की वैल्यू 0 है, इंट टाइप का तो 0 है, तो यहाँ पे आपका टोटल कितने हो गया, 11 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आई लेस देन जो लेंथ है इसका क्या है 11 है, और 1 less than 11 कंडीशन तो ट्रू है, ट्रू है, तो आपका क्या करेगा, ये वाले जो 0 नंबर पे इंडेक्स होगा उसको इसमें आपका स्टोर हो जाएगा, और स्टोर इसमें हो गया आई लूप के थ्रू स्टोर करा दिया हमने, किसमें, जो आई में आपका फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डी है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन दिया, इनमें से कोई ऐसा डी है, देखो इनमें कोई नहीं है, ए ई आई ओ में नहीं आता है, तो ये क्या करेगा यहाँ से बाहर चले जाएगा, एंड देन यहाँ से बाहर गया, फिर से यहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, फिर इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएगा। आई होप आप लोग को लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा, अगर जहाँ आप लोग को लूप समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, लूप वाली वीडियो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कहाँ तक चलेगा, बेसिकली यहाँ पे 11 तक चलेगा, है ना, लेंथ -11 पे तो फॉल्स हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक चलेगा, है ना, ट्रू रहेगा, क्लियर है पॉइंट, लेंथ -1 होता है, तो ये आपका सारा, और जैसे ये जो भी इसमें से मैच करेगा कंडीशन में ए ई आई यू में जो मैच करेगा उसको काउंट वाले वेरिएबल में रख देगा, ठीक है ना। तो अभी 0 है, जैसे कि फर्स्ट अगर जहाँ इसमें कोई मैच किया तो काउंट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आपका चलेगा, और लास्ट में हमने काउंट को प्रिंट करा दिया। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार। जावा सी मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है, सीडी डेस्कटॉप, सीडी जावा, जावा सी, एंड देन यहाँ पे लिखो str Q1 दिया मैंने जावा फाइल का नेम, देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई स्ट्रिंग। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे दीपक गुप्ता इंटर किया, तो टोटल इसके अंदर कितने वॉवेल्स हैं, 5। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे 0 की प्रिंट किया, क्यों प्रिंट किया 0, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल बेसिकली स्मॉल वर्ड में दिया है ना, स्मॉल यहाँ पे, लेकिन हमने कैपिटल के साथ चेक किया ए ई आई ओ यू, तो आपको यहाँ पे देना है कैपिटल ही दीपक गुप्ता। चलिए देखिए टोटल 5 वोवेल्स आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर जहाँ आपको जो मैं स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ उसको भी चेक करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्री डिफाइंड मेथड यूज कर लेना है, यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस,
ये मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड। ये क्या करेगा, जो आप लोअर केस में इंटर करोगे ना, वो क्या करेगा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे तो आपको पता ही है अपर केस चेक हो रहा है, और जो अपर केस में दोगे वो अपर केस में तो चेक हो ही रहा है। ठीक है, क्लियर। इससे आपका दोनों काम हो गया। ये प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज है, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जहाँ आपका छूट गया है प्री डिफाइंड मेथड्स, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। ठीक है, चलिए फिर से कंपाइल करते हैं। इस बार चेक करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर दीपक गुप्ता स्मॉल वर्ड में देखे। चलिए देखिए आपका आउटपुट आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है कि हाउ टू बेसिकली काउंट नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। नंबर कितने नंबर ऑफ वॉवेल है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसे फाइंड आउट करना है विद द एग्जाम्पल। आई होप क्लियर सबको। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राइट, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।